जिला परिषद के चुनाव सरगर्मी में कनान में हत्या का मामला सामने आया है। मृतक का नाम संजय खड़से है। संजय कनान के प्रभाग नंबर 8 के प्रत्याशी डैनियल शेंडे के दामाद है। सोमवार रात मामूली बात को लेकर 3-4 लोगों ने संजय पर पत्थर और चाकू से वार किया था। जख्मी हालत में अस्पताल में पहुंचाने के बाद संजय को मृत घोषित किया गया। जानकारी के अनुसार रात्रि करीब 11 बजे शिव मंदिर के पास सत्रापुर कनान निवासी संजय खड़से वहीं के रहने वाले अपने मित्रों के साथ शहर के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर चौक स्थित गौरव बार में शराब पीने गए थे। बार में वे बैठे थे। इस बीच अन्य स्थानीय 3 युवक भी बार में समीप की टेबल पर बैठकर शराब पी रहे थे। अचानक उन्होंने बार में गिलास की तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस पर संजय खड़से ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। इस पर उनके बीच विवाद शुरू हो गया। सभी लोग बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद विवाद करने वाले तीनों युवकों ने संजय से मारपीट शुरू कर दी। तीनों ने पत्थर और चाकू से पेट पर वार कर दिया। संजय को बेहोशी की हालत में कनान के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया गया, किंतु वहां के चिकित्सकों ने नागपुर ले जाने की सलाह दी। नागपुर के निजी अस्पताल में पहुंचाने पर उसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई संदीप खड़से ने इस मामले की शिकायत पुलिस में की है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। इस मामले की जांच चंद्रकांत कारी के नेतृत्व में एपीआई अमित आत्राम जांच कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि आगामी 9 जनवरी को कनान में नगर परिषद के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर हत्या की वारदात को अंजाम तो नहीं दिया गया होगा, इसे लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि फिलहाल इस हत्या के पीछे चुनावी रंजिश होने से इनकार किया जा रहा है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ नितिन शेगावकर की रिपोर्ट। घटना हुई गौरव बार के सामने। वो बार में जो लड़के दारू पी रहे थे, उनके आज से ग्लास नीचे गिरने की वजह से मृतक ने उनको 2-3 धनपड़ में मार देने की वजह से उनको उसी उसका गुस्सा उन्होंने बाहर आके उसको बार के बाहर आने के बाद में उसको 2-3 लड़कों ने मिल के चाकू से और वहाँ पे जो पत्थर थे वो पत्थर से सर पे मार के उसको वहीं पे मार गिरा है और वहाँ से भग गए थे। रात भर हमने उनकी छानबीन की है। उसमें हमारे पास में भी 3 आरोपी मिले हैं और उनको अटक करके आगे की कार्रवाई करी।